जहां पर लगातार शहर के अयोध्या चौक में मोमोज खाने को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट के मामले में निर्दोष लोगों ने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पलायन करना शुरू कर दिया है। मोहल्ला ठठरियांग लाहौरी गेट के आधा दर्जन से अधिक मकान मालिकों ने अपने मकान बेचकर निकलकर पलायन करना शुरू किया। उन्होंने पुलिस पर भी निर्दोष लोगों को झूठा बताकर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। विशेष समुदाय के लोगों का कहना है मामला तीन युवकों के बीच का था। पुलिस ने दो दर्जन से अधिक लोगों को चिन्हित किया है और जो कि निर्दोष है। पुलिस हिंदू संगठनों के दबाव में आकर कार्रवाई कर रही है जिसके चलते वो पलायन को मजबूर है। मोहल्ला लाहौरी गेट व ठठरियांग के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने अपने मकानों पर पलायन लिखकर ये मकान बिकाऊ में लिख दिया है। कार्रवाई वो एक पक्ष के खिलाफ कर रही है कार्रवाई। मामला क्या हुआ था उस दौरान? मामला ये मोमो के ऊपर हुआ था, दो तीन लड़कों के ऊपर हुआ था। सिर्फ वास्ता भाई कुछ भी नहीं था, उसको बहुत ज्यादा पतंगड़ बना दिया इस मामले का। हम ज्यादा परेशान हो चुके हैं। दारे भी पता नहीं कौन सी मटर उटर के लगा दे। हमारे पास वीडियो भी है, कुछ भी नहीं है। बच्चा भी चप्पल भी नहीं ले रहा है और ज्यादा हमें परेशान करा जा रहा है पुलिस के द्वारा। और खबर झांसी से है जहां